ओके, ईएम वेव से स्टार्ट करते हैं। ईएम वेव के अंदर हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था? ईएम वेव में आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। डिस्प्लेसमेंट करंट आपकी बुकलेट में गिवन है। डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर, सपोज ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है पी एंड क्यू, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, इसमें करंट जा रहा है। तो अगर मैं कोई क्लोज्ड पाथ लूँ अगर मैं यहाँ पर या कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो क्लोज्ड पाथ के अक्रॉस बी डॉट डी एल म्यू नॉट इनटू आई आना चाहिए फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ। इसमें तो आएगा बिकॉज इसमें फिजिकली करंट आई जा रहा है, पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, तो इसमें कैसे आएगा? म्यू नॉट इनटू आई जीरो होना चाहिए, पर अगर यहाँ जीरो होगा फिर यहाँ करंट कैसे आ गया? तो पॉइंट यही है कि यहाँ पर करंट कैसे आया, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी होगी करंट की, यहाँ पर जरूर कोई ना कोई करंट होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये किया कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ऑब्वियसली अगर करंट जा रहा है तो यहाँ कैपेसिटर की प्लेट्स इसमें चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ इसमें, इसके अकॉर्डिंगली। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक आइडिया आया मैक्सवेल को, जिसका नाम था, उसने करंट का नाम दिया, एक इमेजिनरी करंट है इसमें फ्लो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें ये लिखा हुआ, आपने डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर आपने दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, C1 C2 क्लोज्ड पाथ। C1 में लिखना है कि म्यू नॉट इनटू आई होना चाहिए बी डॉट डी एल, C2 के अंदर बी डॉट डी एल जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग बिकॉज इसमें कोई करंट फिजिकली जा नहीं रहा। तो कायदे से अगर एम्पियर सर्किट लॉ ट्रू है तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, बट ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है, ये इक्वल है नहीं, ये इक्वल नहीं आई, होने लेकिन इक्वल चाहिए। तो इसीलिए उसे क्या आइडिया आया, मैक्सवेल का डिस्प्लेसमेंट करंट। उसने ये कहा कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो देयर इज एन इमेजिनरी करंट फ्लोइंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसका फॉर्मूला आपने याद करना है, म्यू नॉट इनटू डी फाई बाय डी टी, फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके अंदर फिर दोनों का अगर रिजल्ट मिलाएं तो बी डॉट डी एल की वैल्यू किसी भी क्लोज पाथ की इन अ सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई प्लस आई डी। आई प्लस आई डी का मतलब, आई का मतलब फिजिकल करंट है, आई डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो अगर तो वायर जा रही है एक्चुअल में, तो फिर वहां पर तो डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा जीरो, और अगर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में वायर नहीं जा रही तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? आई डी होगा, म्यू नॉट इनटू आई डी। तो ये एक इक्वेशन फॉर्मुलेट हुई, डिस्प्लेसमेंट करंट, इमेजिनरी करंट उसने प्रूव किया। फिर इसमें यह बताया गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और वेव की जो डायरेक्शन होती है वो भी परपेंडिकुलर होती है। तो ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री पे है, और वेव की प्रोपेगेशन भी 90 डिग्री पे है, ये आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट इसमें ये बताया गया कि जो सी होता है वो 1/√ ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उनमें से पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि रिजल्ट निकाला गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वहां पर ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा और अपने आप ही ओरिजिनेट हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसाइडली चेंज होता है तो इट गिव्स राइज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड बोथ फील्ड गिव राइज टू डिस्टर्बेंस, और एनर्जी ट्रेवल होनी स्टार्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो इसकी जो स्पीड है वो 3×10⁸ है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्जेस, ईएम वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, और सी की वैल्यू 3×10⁸ है। अगर मीडियम चेंज करते हैं तो सी की जगह वेलोसिटी वी हो जाएगी और म्यू और एप्सिलॉन नॉट भी चेंज हो जाएंगे। इसके ऊपर फॉर्मूले क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर आप ई और बी की रेशियो लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो लेंगे, तो आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी की वैल्यू आ जाएगी इसमें। तो इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर यह बताया गया है कि एक्सेलरेटेड चार्ज एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो ईएम वेव जनरेट होगी, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स है, दैट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये आपको पता होना चाहिए। इसका प्रूफ है कि आप इसका ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ करें। ट्रांसवर्स नेचर के लिए मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे की तरफ मूव कर रही है, आप इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, तो आप इसका एक इमेजिन करेंगे कि आपने एक इसमें प्लेन वेव फ्रंट लिया जो आगे की तरफ जा रहा है, और इमेजिनरी मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, एक इमेजिनरी पोर्शन ले लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये इमेजिनरी पोर्शन है और जिसमें 6 फेसेस है, क्यूब ले लिया आपने, और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक ई डॉट डी एस इसका जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, बिकॉज इस क्लोज बॉडी के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस जीरो है, ई डॉट डी एस में 6 फेसेस आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फेसेस का टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो।
इसके अंदर इसका फ्लक्स वैसे जीरो होना है, नॉर्मली ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव कैसे करना है, ट्रांसवर्स नेचर को ऐसे प्रूव करना है कि वेव की प्रोपगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे होगा, जो वेव की प्रोपगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे होता है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। हम इसको प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर हम ये उल्टा मानते हैं कि मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन 90 डिग्री पे नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, और हम इसको बाद में गलत प्रूफ कर देंगे। प्रोपगेशन आपस में 90 डिग्री पे होती है, पर हम ये मानते हैं कि 90 डिग्री पे नहीं है। अगर वेव प्रोपगेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स के अलोंग है, जो कि हम गलत मान रहे हैं, और हम इसको बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या कर देंगे, गलत प्रूफ कर देंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है तो इस फेस का जो फ्लक्स होगा, एरिया भी इधर, ई भी इधर, तो ई और डीएस में एंगल जीरो, इसमें ई और डीएस में एंगल 180, इनमें ई और डीएस में एंगल 90 90 90, तो चार फेसेस का फ्लक्स तो वैसे ही क्या हो जाता है, जीरो, आगे का, पीछे का, ऊपर का और नीचे का। तो क्या बचता है, सिर्फ ये दो फेस बचते हैं, ई डी एस कॉस जीरो, ई डी एस कॉस 180। तो आप चेक कर सकते हो इसमें ई डी एस कॉस जीरो, ई डी एस कॉस 180 में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सेम नहीं एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि एक फेस में ई एक्स है जहां एंगल जीरो है, और एक फेस में ई एक्स डैश है जहां एंगल 180 है। कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 आएगी। एरिया यहां से कैंसिल हो जाएगा जीरो से, तो ई एक्स माइनस ई एक्स डैश इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब दो मतलब हो सकते हैं इसके, या तो ई एक्स डैश के इक्वल है, या ई एक्स और ई एक्स डैश दोनों जीरो है। इक्वल हो नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट चेंज विद टाइम, ऐसा मैक्सवेल ने कहा था, तभी ई एम वेव जनरेट होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो गया तो ई एम वेव जनरेट नहीं हो सकती। तो ये इक्वेशन तो रूल आउट हो जाती है। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट्स पर एग्जैक्टली क्या वैल्यू रखेंगे, जीरो। इट मींस वेव की प्रोपगेशन अगर एक्स में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स में नहीं एग्जिस्ट करेगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन आपस में सेम डायरेक्शन में कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और सिमिलरली दिस रिजल्ट कैन बी प्रूव फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। तो एक लाइन लिख देनी है कि इन द सेम मैनर बोथ द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो एग्जिस्ट, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रूफ किया, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रूफ किया जा सकता है। फिर हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, नॉर्मली एनसीईआरटी में आता नहीं है, पर फिर भी मैं हमेशा डिस्कस कर लेता हूँ दो लाइन में। हर्ट्ज ने लैब के अंदर फर्स्ट टाइम प्रूफ किया था कि हाउ टू जनरेट ई एम वेव। हर्ट्ज ने क्या किया था कि एक इंडक्टर ले लिया, इंडक्टर और ये कैपेसिटर ले लिया, और छोटे छोटे दो पॉइंट्स ले लिए, और एक रिंग ले ली। उसने क्या किया, एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट कर दी। एलसी ऑसिलेशन में जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो साइनोसाइडल हो जाता है, और अगर फील्ड साइनोसाइडल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसाइडल है, इट विल गिव राइज टू साइनोसाइडल मैग्नेटिक फील्ड। और जब ई और बी दोनों जनरेट होंगे, वहां पर ई एम वेव जनरेट हो जाएगी। पर क्योंकि ई एम वेव दिखती नहीं थी, तो उसको प्रूव करना था लैब में कि यहाँ ई एम वेव जनरेट हो चुकी है। उसने दूर यहां पर एक रिंग ले ली, यहां पर दो पॉइंट्स हैं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस आया तो यहां पर चार्जेस इंड्यूस हुए, और जैसे ही चार्ज इंड्यूस हुए यहां पर स्पार्क हो गया। इससे पता लगा कि दूर से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेजेंट है इस स्पेस में। तो ये हर्ट्ज ने पहली बार ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे उसने एलसी ऑसिलेशन के थ्रू ईएम वेव को जनरेट किया। हालांकि आने की पॉसिबिलिटी कम है, बट इतना सुना होगा तो एटलीस्ट बाय चांस आ जाए तो लिखा जा सकता है कि उसने क्या किया इसमें। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट है, एनर्जी कैरिड बाय ईएम वेव्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैरिड बाय ईएम वेव्स है, दैट इज हाफ इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। That is, this is energy per unit volume. That is electrostatic energy per unit volume. Or this is magnetic energy per unit volume. तो electric energy per unit volume, magnetic energy per unit volume को divide किया, अगर हमने divide करके आपके पास ये term आ गई, और मुझे पता है C क्या होता है, 1 by under root of mu naught epsilon naught, इसको अगर square करेंगे, reciprocal लेंगे, तो ये term 1 by C square हो जाएगी। E by B तो वैसे ही C होता है, तो cancel करके 1 आएगा। तो ये प्रूफ आ सकता है पेपर में कि प्रूफ करो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक की और एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक की इक्वल है। तो ये देखो 1:1 आ गई, इसका मतलब यू इज इक्वल टू यू बी। तो ये लिख के आना है आपने डिवाइड करके। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, प्रूफ करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी इक्वली स्टोर्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो आपने ये प्रूफ करके आना है।
नेक्स्ट है इसके अंदर, ये प्रूव हो गया। स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, स्पेक्ट्रम का मतलब कि जो ईएम स्पेक्ट्रम है उसके कई पार्ट्स हैं, जिसके जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो वेव, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी लिखने को आती है, तो ये आपको याद होना चाहिए। यूजेस हैं, इसकी जगह टेबल याद करेंगे आगे, इसकी जगह टेबल देखेंगे। यूजेस एक एक यूज आपने नजर मारनी है कि किसका क्या यूज है, ये तो एक प्रॉपर्टीज है सिर्फ और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो है इसमें अर्थ का एटमोसफेयर, ठीक है लिख लोगे। प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव, तो रेडियो वेव में हाइट ऑफ एंटीना, हाइट ऑफ एंटीना के अंदर आपको हाइट ऑफ एंटीना में मान लो एच इज हाइट ऑफ एंटीना, आर इज रेडियस, ये सिग्नल की ट्रांसमिशन है टेंजेंशियल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप लिख सकते हो आर प्लस एच का स्क्वायर इज आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, वेयर डी इज टेंजेंशियल डिस्टेंस, ये रहा। तो आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करेंगे आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस टू आर एच आएगा, तो ये टर्म आ जाएगी। इसके अंदर डी बहुत, आर बहुत बड़ा है, आर का मतलब होता है 6400 किलोमीटर और एच छोटा है, तो इन दोनों में से ये बहुत बड़ा ये छोटा है, दिस कैन बी निग्लेक्टेड, तो आपके पास आएगा डी का ये फॉर्मूला आ गया। टेंजेंशियल डिस्टेंस आ गया, तो एरिया सिग्नल कितना कवर करेगा सर्कल में पाई डी स्क्वायर, तो डी की जगह वैल्यू पुट करेंगे पाई डी स्क्वायर से ही आंसर आएगा। तो इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं हाइट ऑफ एंटीना पे, कि व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना इफ द टीवी टेलीकास्ट इज टू कवर अ रेडियस ऑफ 128 किलोमीटर। अगर आपको आर गिवन है, आपको साथ में क्या गिवन है, दी रेडियस ऑफ 128 किलोमीटर, तो आपको डी का मतलब टेंजेंशियल डिस्टेंस, डी पता है 128, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, तो यहां से हाइट ऑफ एंटीना आ जाएगी। और कभी कभी आता है कितने लोगों ने सिग्नल को व्यू किया, तो आप एक काम करेंगे सिग्नल का एरिया निकाल लेंगे, सिग्नल का एरिया पाई डी स्क्वायर इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पाई डी स्क्वायर में डी पता है आपको, पॉपुलेशन डेंसिटी पता है, मल्टीप्लाई करके पॉपुलेशन कवर्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो उसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन है, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नहीं ये थी, अ टीवी हैज अ हाइट ऑफ 100 मीटर, टीवी एंटीना जो है टावर की हाइट एच गिवन है, एच गिवन है, कितने लोग इसको देखेंगे पॉपुलेशन कवर्ड बताओ, जब जो आपको पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 पर स्क्वायर किलोमीटर गिवन है, आपको अगर एच गिवन है तो आप यहां से डी निकाल सकते हैं। तो अगर आप डी निकाल लेंगे तो पाई डी स्क्वायर से एरिया कवर्ड आ जाएगा, एरिया कवर्ड को पॉपुलेशन डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू आ जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपने एनसीईआरटी का टेबल रेफर करना है, इसके लिए मैंने बताया था, तो इन टेबल्स के अंदर रादर ये टेबल्स ना उसमें सेकंड वॉल्यूम में ज्यादा मेंशनड है, सेकंड इसमें तो ये गिवन है कि जो रेडियो वेव है, माइक्रोवेव, इंफ्रा लाइट, अल्ट्रा वायलेट की प्रोडक्शन कैसे होती है, रेडियो वेव एलसी ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोवेव भी एलसी ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होते हैं, इंफ्रारेड रेज जो है वाइब्रेशन ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से जनरेट होती हैं, लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन से जनरेट होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो या तो उससे जो आपका मरकरी के जो आर्क्स हैं उससे जनरेट होती है यूवी लाइट, या इनर्शियल इलेक्ट्रॉन इन द एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, इनर्शियल से भी जनरेट हो सकती है। एक्स रेज जो है एक्सरे ट्यूब से जनरेट होती है या इनर शेल्स के एक्साइटेशन से जनरेट होती है, गामा रेज जो है वो रेडियो एक्टिव डीके से जनरेट हो, तो ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। इनकी वेवलेंथ और इनकी जो फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम टू के अंदर, एक जो वॉल्यूम टू मिला हुआ है आपको बुकलेट का, उसके एंड में कम्युनिकेशन के चैप्टर में मेंशनड है, तो आप वहां से इसको याद करना या एनसीईआरटी को रेफर कर लेना कि क्या क्या रेंज है, आपको उसमें मिल जाएगी, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये तो रही बुकलेट की थ्योरी। नेक्स्ट इसके अंदर ईएम वेव्स, तो ईएम वेव यूलाइक के हिसाब से अगर हम चले तो यूलाइक में जैसे पहला क्वेश्चन है कि द फिगर शोज अ कैपेसिटर मेड अप ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स, दो सर्कुलर प्लेट से कैपेसिटर बना हुआ है जिसका रेडियस गिवन है एंड सेपरेशन भी गिवन है। रेडियस गिवन है सर्कल का तो आपको एरिया पता लगेगा, सेपरेशन में डी गिवन है। कैपेसिटर इज बीइंग चेंज बाय एक्सटर्नल चार्ज बाय एक्सटर्नल सोर्स, द करंट इन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पीयर का करंट है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटेंस में तो कुछ करना ही नहीं है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी कैपेसिटेंस दे देगी। एंड रेट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, रेट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किस रेट से पोटेंशियल डिफरेंस
इंक्रीज हो रहा है, तो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। अब वी क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, है ना। तो चार्ज अपॉन सी आपके पास वैल्यू आएगी। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इस तरीके से कर सकते हैं इसे, क्योंकि आपको इसमें क्या निकालना है, डी वी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ वी क्या है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई सी। तो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट। तो करंट हमें पता है, सी की वैल्यू हमने निकाल ली, यहां से डी वी बाई डी टी आ जाएगा। ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द कैपेसिटर्स, डिस्प्लेसमेंट करंट का भी क्या फॉर्मूला बताया था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, यही फॉर्मूला था। डिस्प्लेसमेंट करंट और एक्चुअल करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, सेम। तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एक्चुअल करंट किसी भी इंस्टेंट पे 0.15 है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी 0.15 ही रहता है। और नेक्स्ट है किरचॉफ लॉ फर्स्ट रूल लगाएं, वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एक्सप्लेन। कह रहे इज किरचॉफ लॉ ऑफ फर्स्ट रूल या जंक्शन रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एक्सप्लेन। तो यहां कैसे, यहां देखो अगर आप ऐसे कर सकते हो तो कर लिख सकते हो कि आई इज इक्वल टू आई डी, दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होता है, तो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है कैपेसिटर की प्लेट पे, तो ये दोनों इक्वल बने जाएंगे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट करंट और मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन नंबर जो 8.3 है, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी सेम फॉर एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 10^-10 मीटर, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर। कह रहे कि फिजिकल क्वांटिटी सेम फॉर एक्सरेज, जिसकी वेवलेंथ कितनी है 10^-10 मीटर, ठीक। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम है इन तीनों के लिए, एक्सरेज के लिए, रेड लाइट के लिए और रेडियो वेव्स के लिए। ये तीनों की दोनों ईएम वेव्स हैं, जिसकी स्पीड सेम है 3×10^8। एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी है। नेक्स्ट है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो ई और बी वेक्टर के बीच में आप क्या इसमें मेंशन करोगे, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज गिवन, व्हाट इज द वेवलेंथ। देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ तो आप निकाल ही लोगे। अब वो कह रहा है कि इस केस में जो जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ ई एंड बी बताना है। देखो ई बी हमेशा 90 डिग्री पे होती है, ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 90 एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो आप 90 डिग्री लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये देख सकते हो, अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर। तो कह रहा है कि इस केस में जो चार्ज पार्टिकल है ऑसिलेट कर रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जिसकी ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो ईएम वेव की, जो चार्ज की ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी होती है वही ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव और चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होगी। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, बी नॉट गिवन है, ई नॉट निकाल लो। देखो एक फॉर्मुला किया हमने, C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, तो इस फॉर्मुले से ई नॉट कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट इसके अंदर जैसे 8.10 की प्रॉब्लम है, इन अ प्लेन ई एम वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसाइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन एंड एम्पलीट्यूड गिवन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो वेवलेंथ तो आई जाएगी, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड। बी पार्ट है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ई नॉट गिवन है तो बी नॉट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। शो दैट द एवरेज डेंसिटी ई वेक्टर फील्ड इक्वल टू एवरेज डेंसिटी ऑफ बी वेक्टर। आज हमने बुकलेट में प्रूव किया जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है, तो आप प्रूव कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है सपोज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जो डायरेक्शन ऑफ, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्म होता है वो ये होता है, ई वेक्टर इज ई नॉट कॉस ऑफ के वाई प्लस ओमेगा टी आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट है। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, तो वेव प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी इसमें, ये आपको बताना है। अलोंग वाई एक्सिस लिखा जा सकता है, अलोंग वाई एक्सिस कैसे चेक करते हैं, जो कॉस के अंदर ये के वाई होता है ना, ये आपको डायरेक्शन बताता है वेव प्रोपगेशन की। तो ये जो डायरेक्शन है वो अगर वाई एक्सिस है तो आपने लिखना है वेव प्रोपगेटिंग अलोंग वाई एक्सिस, सिंपल। नेक्स्ट है आपको बी पार्ट में व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्डा, तो यहां से कंपेयर कर लेंगे, आपको ई नॉट पता है, कंपेयर करके ओमेगा टी इससे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा,
के वाई को कंपेयर करेंगे तो के आ जाएगा, और के होता क्या था वेव में, 2 पाई बाय लैम्डा, तो यहां से लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड, लैम्डा आ गया तो आप फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं, अगर सॉरी न्यू आ गया, ओमेगा आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और ऐसी व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सी होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट किसके इक्वल है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, तो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को भी इसमें बताओ कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरीके से होती है, ये रही। अब क्योंकि आपकी जो वेव प्रोपगेशन है वाई में, जबकि ई वेक्टर है, ई वेक्टर की डायरेक्शन देख लेते हैं, जो ई वेक्टर है, ई वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक्स में है, तो ऑब्वियसली बी वेक्टर जेड में ही होगा, के एक्सिस में होगा, तो आपने आंसर के कैप में लिख देना है इसमें, तो पीछे बी वेक्टर प्लस वन की वेव्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, के जो होता है वो 2π बाय लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज इक्वल 2π बाय के, और के आप कंपेयर करके निकाल लेंगे, तो इसमें इसके अंदर जैसे जैसे ये रहा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड्स वाई, जो लॉन्ग डिस्टेंस ब्रॉडकास्ट है शॉर्ट वेव यूज करता है, तो आपने ये यहां से देखना है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ब्रॉडकास्ट है इज नॉट पॉसिबल यूजिंग लॉन्ग या मीडियम वेव, बिकॉज दीज वेव ट्रेवलिंग एज अ ग्राउंड वेव कैन कवर अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, तो ये जो लॉन्ग वेव है वो 200 किलोमीटर से ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाती, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, शॉर्ट वेव बैंड यूज करते हैं जो कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर आगे कॉन्टिन्यूड है, व्हेन यूज्ड एज स्काई वेव्स, ये ना एक्चुअली प्रिंसिपल कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है, स्काई वेव, आइनोस्फेयर वेव्स, ये सब, तो ये इसमें है नहीं वैसे, आप इतना लिख दोगे तो भी इसमें चलेगा मेरे को लगता है। नेक्स्ट है इट इज नेसेसरी टू यूज सैटेलाइट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन वाई, क्योंकि जो टीवी की जो वेव्स हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 100 से लेकर 200 मेगाहर्ट्ज़ है और इवन मोर, एंड पेनिट्रेट द आइनोस्फेयर एंड आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक, क्योंकि कुछ लेयर्स, कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो आइनोस्फेयर से वापस आ जाती हैं, टीवी ट्रांसमिशन की जो वेव्स हैं वो उसमें से पेनिट्रेट करती हुई सैटेलाइट तक जाती हैं, और वो वेव की फ्रीक्वेंसी आपको वो टेबल ही बताएगा जो मैंने बताया एनसीईआरटी में, ये उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 100 से 200 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में, तो इस केस में वो क्या कह रहा है कि टीवी ट्रांसमिशन जो है वो यूज करेगा टू यूज सैटेलाइट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन, क्योंकि वैसे भी सैटेलाइट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और वो ज्यादा वाइड जो है डिस्टेंस को कवर कर पाता है, बिकॉज सैटेलाइट की हाइट काफी ज्यादा है,
और सेटेलाइट की जो कम्युनिकेशन है वो 100 और 200 मेगाहर्ट्ज के बीच में है, तो पेनिट्रेशन कर जाती है बाकी लेयर में से ये सारी वेव्स। नेक्स्ट है ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप्स आर बिल्ड ऑन द ग्राउंड बट एक्सरे एस्ट्रोनॉमी इज पॉसिबल ऑन फ्रॉम द सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। वाई कह रहे जो टीवी जो जो ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप्स हैं यूज विजिबल लाइट एंड रेडियो वेव्स। तो ये कैसे लिखना है आंसर इसका कि उसने कहा ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप्स के बारे में बताओ कि वो कैसे बनाई जाती हैं पहले। तो आप पहले ये लिख रहे हैं ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप्स आर वी यूज विजिबल लाइट एंड रेडियो वेव्स रिस्पेक्टिवली विच कैन पास थ्रू एटमोसफेयर। तो ऑब्वियसली जो विजिबल लाइट ऑफ एटमोसफेयर में से पास होती है, हेंस सच टेलीस्कोप्स आर बिल्ड ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड का मतलब ग्राउंड वेव के हिसाब से। हाउ एवर एक्सरेज हैव एक्सट्रीमली स्मॉल वेवलेंथ एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। तो आंसर दे रहा है कि एक्सरेज क्यों नहीं बनाई जाती, एक्सरे से ये क्यों नहीं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन करवाया जाता और सिंपल लाइट से विजिबल लाइट से क्यों करवाया जाता है, क्योंकि विजिबल लाइट जो है एटमोसफेयर में से पास होती है और एक्सरेज पास नहीं होते क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है इसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट है। डी पार्ट में ये बताया गया है कि ये पूछा गया है कि स्मॉल ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। वाई पता ही आपको ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी लाइट को क्या करेगा एब्जॉर्ब करता है। ई है इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एटमोसफेयर वुड इट्स एवरेज सर्फेस टेम्परेचर बी हायर लोअर एंड वॉट इट इज नाउ। तो कह रहे हैं इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एटमोसफेयर द एवरेज सर्फेस टेम्परेचर विल बी लेसर, ज्यादा नहीं है कम हो जाएगा बिकॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और जितनी भी रेडिएशन आएंगी रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट है सम साइंटिस्ट हैव प्रेडिक्टेड दैट अ ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर ऑन द अर्थ वुड बी फॉलोड बाय सीवियर न्यूक्लियर विंटर। तो एक्सप्लेन करो न्यूक्लियर विंटर, मैंने बताया था अगर बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन चल जाएंगे तो जो हीट की रेडिएशन है वो अंदर आ नहीं पाएंगी, तो नीचे क्या हो जाएगा एक क्लाउड्स जनरेट क्लाउड्स इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके अंदर से सनलाइट पास नहीं हो पाएगी तो विंटर हो जाएगी और न्यूक्लियर विंटर बोला जाता है इसे। ठीक छोटे क्वेश्चन इसमें आते हैं व्हाट आर दी क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रिलेटिव टू दी टू ईच अदर एंड रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिफ्थ एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव्स इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो सी इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ ईएम वेव या नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिमेन्स सेम फॉर माइक्रोवेव फॉर वेवलेंथ 1 mm एंड यूवी रेडिएशंस ऑफ 1600 एंगस्ट्रॉम। स्पीड ऑफ लाइट क्योंकि दोनों के दोनों ईएम वेव्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टी 3×10⁸ तो हमेशा ही सेम रहेगी। स्पीड ऑफ ईएम वेव इज गिवन बाय 1/μ × ε फॉर एनी मीडियम नॉट फॉर वैक्यूम। तो कह रहे हैं हाउ डज इट्स फ्रीक्वेंसी चेंज, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती जब मीडियम चेंज होता है, वी चेंज होता है लैम्डा चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता कभी भी वेव की जब वो मीडियम चेंज करती है। अरेंज द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपको याद करनी पड़ेगी हर की वेवलेंथ, तो आपको अरेंज करना आना चाहिए, चाहे ये क्वेश्चन चाहे ये क्वेश्चन, काफी ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। कभी कभी ये आता है टू विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन बिलोंग, एक्सरेज। तो आपको फ्रीक्वेंसी याद होगी तभी आप मैच कर पाओगे एक्सरेज है। टू विच पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम डज दी वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी 3×10⁻³ एंड 5×10⁻¹ हर्ट्ज बिलोंग, इंफ्रा और माइक्रोवेव। विच व्हाट इज द नेम गिवन टू दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज यूज्ड एज रडार। तो माइक्रोवेव्स को यूज किया जाता है रडार्स के अंदर। तो ये एक 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 नंबर के क्वेश्चंस भी बहुत सारे ऐसे आते हैं। नेम द पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम हूज वेवलेंथ लाइज इन द रेंज ऑफ 10⁻¹⁰ मीटर और इसका यूज बताएं। एक्सरे रीजन है एंड एक्सरेज जो है वो मेडिसिन और मेडिकल साइंस के अंदर यूज होता है। नेम द ईएम वेव्स यूज फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बताओ। एक्सरेज है, फ्रीक्वेंसी याद करनी है। आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग अ मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, एक्सरेज है। वेल्डर्स वियर स्पेशल गॉगल्स जब वो वेल्डिंग कर रहे होते हैं। नेम द रेडिएशन अल्ट्रा वायलेट और इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज लिखनी है आपने। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ अ सर्टन ईएम वेव इज गिवन, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सेम है। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की भी सेम है। और वो कह रहे हैं कि इस केस में द
corresponding magnetic field vector and to which part of EM spectrum does it belong? तो आप एक काम करेंगे, आप फ्रीक्वेंसी की हेल्प से वेवलेंथ निकाल लेंगे, वेवलेंथ आएगी 600 नैनोमीटर और ये विजिबल लाइट को बिलोंग करती है, आपने ये लिखना है। हाउ आर रेडियो वेव प्रोड्यूस, बताया था एक्सेलरेटेड मोशन चार्ज या रेडियो वेव एलसी ऑसिलेशन से भी प्रोड्यूस होती हैं। तो एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस ईएम वेव, या तो ये लिखें या फिर ये लिखें कि एलसी ऑसिलेशन से भी रेडियो वेव कैन बी जनरेटेड। तो आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि एक जैसे क्वेश्चन पूछी जा रहा है कि इसकी ओरिजिन क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, तो सोर्स जो है कांस्टेंट सप्लाई नहीं दे रहा, वेरिएबल दे रहा है। विल द डिस्प्लेसमेंट करंट चेंज इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स डिक्रीज्ड, तो कह रहा है कि क्या चेंज होगा, आपका आंसर होगा यस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट चेंज होगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो चेंज कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा चेंज हो रहा है, तो जितना ज्यादा चेंज होगा डी फाई बाई डी टी उतना ज्यादा होगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही डिपेंडेंट है, चेंज होना बंद हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाई इज ओरिएंटेशन ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो विद रिस्पेक्ट टू ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन इंपॉर्टेंट, तो वो कह रहे हैं कि ईएम वेव्स आर प्लेन पोलराइज्ड, तो एंटीना को सेट करना पड़ता है रिसीवर के साथ, मतलब ये नहीं है कि आप एंटीना का मुंह उधर कर देंगे और रेडियो स्टेशन वहां पर है, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड है तो आपको डायरेक्शन सेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट है, हाउ डज माइक्रोवेव ओवन हीट अप फूड आइटम कंटेनिंग एफिशिएंटली, माइक्रोवेव क्या करते हैं, हीट्स अप फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल मोस्ट एफिशिएंटली बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन ओवन जस्ट मैचेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल के साथ मैच करती है फ्रीक्वेंसी, इसलिए पानी को गर्म करना बहुत ज्यादा आसान है। प्रोफेसर सी वी रमन सरप्राइज हिज स्टूडेंट बाय सस्पेंडिंग फ्रीली अ टाइनी लाइट बॉल इन अ ट्रांसपेरेंट वैक्यूम चैम्बर बाय शाइनिंग अ लेजर बीम ऑन इट, विच प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव वॉज ही शोइंग एंड गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो जो सी वी रमन का डिमॉन्स्ट्रेशन है वॉज बेस्ड ऑन द रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईएम वेव, लेजर लाइट फेंकता है, फोटोन्स गिरते हैं और बॉल हवा रेस्ट पे आती है, तो प्रेशर वेव के ऊपर काम किया उसने। तो टेल्स ऑफ कॉमेट्स आर ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय ड्यू टू सोलर रेडिएशन, तो इनके इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने काम किया था। शॉर्ट आंसर के अंदर, कैपेसिटर मेड अप ऑफ टू पैरेलल प्लेट ऑफ एरिया ए एंड सेपरेशन डी इज बीइंग चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल एसी सोर्स, शो दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इनसाइड अ कैपेसिटर इज सेम एज द करंट चार्जिंग द कैपेसिटर। तो आपने क्या करना है इसमें, मान लो ये कैपेसिटेंस है, ये वी वी नॉट साइन ओमेगा टी है, चार्ज इसमें क्यू इज इक्वल टू सी वी से आ जाएगा, करंट क्या होगा कैपेसिटर के अंदर डी क्यू बाई डी टी, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये करंट आ जाएगा, ये नॉर्मल करंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट इसके इक्वल होता है और फ्लक्स क्या होता है ई इंटू ए होता है, ई क्या होता है वी बाई डी होता है, तो वी डी वी बाई डी टी में v की जगह पुट करेंगे v नॉट साइन ओमेगा t, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। तो फिजिकल करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, इसको प्रूव किया जा सकता है। एक काम करते हैं, इसका इस साल का जरा पेपर पहले देख ले, इस साल 2019 के अंदर थर्ड क्वेश्चन, स्मॉल ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, अभी यू लाइक में से पढ़ा हमने, सेम क्वेश्चन वहीं से उठाकर डाला हुआ लगता है, बिल्कुल सेम अभी किया था ना डिस्कस। नेक्स्ट, इलस्ट्रेट बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल हाउ कैन यू शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी बोथ इलेक्ट्रिक सॉरी एनर्जी एंड मोमेंटम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक एनी अदर वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम एज दे ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस, इफ लाइट डिडंट कैरी एनर्जी इट वोंट बी एबल टू हीट अप दी स्टफ, कोई भी मटेरियल को हीट कैसे कर रही है, उसमें एनर्जी है तभी हीट कर पा रही है, एंड कम्स विच कम्स इन टू इट्स पाथ और जनरेट अ फोटो करंट इन द फोटो सेल्स। तो एनर्जी क्या होती है एच सी बाय लैम्डा, और जहां एनर्जी कैरी होती है मोमेंटम अपने आप कैरी हो जाता है, तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती है। तो डिफरेंट क्वेश्चन आया इसमें वैसे, लो व्हाई इज ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1500, ये कम्युनिकेशन का है, सॉरी ये नहीं आएगा, कम्युनिकेशन का था क्वेश्चन आया, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए एंड सेपरेशन डी इज बीइंग चार्ज्ड बाय एसी सोर्स,
show that displacement current inside a capacitor is same as the current carried by the capacitor. अभी आखिरी क्वेश्चन जो डिस्कस किया था सेम ही डाल दिया 3 नंबर में. ठीक, तो और नहीं आया होगा, बस हो गया पूरा, क्योंकि इतने नंबर का ही आता है बस ये. 2018 में देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, नेम द ईएम रेडिएशन यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन. यूवी रेज, यूवी का आरओ सिस्टम भी आता है. आई सर्जरी, इंफ्रारेड रेज फॉर आई सर्जरी. Why are infrared waves often called heat waves? भाई क्योंकि जिस पे absorb की जा, जिस जो जिनके ऊपर गिरती हैं वो गर्म हो जाती है चीज. Why do you understand by statement EM wave transport momentum? फिर वही same question. Momentum carry करता है, energy भी carry करता है और momentum भी carry करता है. Same, फिर से repeat है 18 और 19 का question, same answer है. बस इतना ही है. ठीक है, मतलब तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो गया कि किस टाइप की प्रॉब्लम एनसीईआरटी में आती है.